हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मलेशिया T20 क्वेड रेगुलर सीरीज की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहां पर गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट वर्सेस सेंट्रल स्मैशर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बाय जेओस पांडुचेरी T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको CBFS T20 के वीडियोज़ और अरेबियन T20 के वीडियोज़ आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। तो आइए चलिए बात करते हैं ऐसे इस मैच की। तो ये मैच सुबह में 7 बजे बायमस ओवल कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जाएगा। तो वैसे ये टूर्नामेंट पहली बार इस ग्राउंड के ऊपर हो रही है, हालांकि रन्स अच्छे खासे बनने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बारिश की खलेल रहती है तो मैच पूरा होता नहीं है। होगा तो भी यहाँ से 130, 120, 150 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टीम GIC की। तो GIC की बात करें तो ऑलरेडी इनकी 3 मैच हो चुकी है, जहाँ से 2 मैच वो जीती है, 1 मैच वो हारी है। अभी देखो ये सारे प्लेयर्स जितने हैं ना, ज़्यादातर प्लेयर के ओवरऑल रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं थे, तो यहाँ से ओवरऑल रिकॉर्ड मैंने मेंशन किए नहीं है। स्कोर कार्ड के ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे। तो ओपनिंग की बात करते हैं, ऐसे असद अली और शहबाज जावेद दोनों ओपनिंग करवाए लास्ट मैच के अंदर। इससे पहले ओपनिंग की बात करूं तो 2-4 इन यहां पर चेंजेस वगैरह हो गए हैं। 2-4 चेंजेस मींस यहां पर असद अली रेगुलर बेसिस पर ओपनिंग करवा रहे हैं। इसके साथ यहां पर आई थिंक अजीम डार एक बार ओपनिंग आए थे, अलमान नहीं, यहां से तो चेंजेस वगैरह होते रहते हैं यहाँ से ओपनिंग में। हालांकि अभी के लिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो असद अली इस टीम से सबसे बेहतर पिक है। इवन एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी यहाँ से असद अली बेस्ट पिक है। लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, ऐसे लेफ्ट आर्म स्लो गेंदबाजी करवाते हुए नजर आएंगे आपको। तो एज अ प्लेयर ऐसे इंपॉर्टेंट है, इवन यहाँ से आप लोग इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। शहबाज जावेद की बात करो तो विकेट कीपर बल्लेबाज, राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेता है। 31 रन किए थे पहली मैच के अंदर, इसके बाद पिछले दोनों मैच के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी मोहसिन रजा ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर 29 रन की एक अच्छी पारी खेली हुई है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको ट्राई करना है। या तो आप लोग यहां से शहबाज जावेद के साथ जाइएगा, या तो फिर यहां से मोहसिन रजा के साथ जाइएगा, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी एक ही परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हो पहले मैच के अंदर शहबाज जावेद चले तो यहां पर मोहसिन रजा नहीं चले, दूसरे मैच के अंदर ऐसे मोहसिन रजा चले तो दूसरे मैच के अंदर यहां पर शहबाज जावेद नहीं चले, और तीसरे मैच की बात करो तो दोनों ही नहीं चले। तो यहां से अगली मैच के अंदर शायद दोनों ही चल सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लगा सकते हो। बाकी मोहम्मद सलीम की बात करो तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। पिछले दोनों मैच की बात करो तो 35 और 22 जैसे दो डिसेंट स्कोर करते हुए आ रहे, तो इनको एज अ प्लेयर हमें लेके जाना है, मोहम्मद सलीम को इनको जरूर लेके जाना है। बाकी खिजर हयात भट्ट की बात करो तो ये पहले दोनों मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म दिया, ऐसे 15 और 13 रन किए। हालांकि देखो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन यहां से 1-2 विकेट गिरेगी, इसके बाद ही ऐसे इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो आई थिंक यहां से इनको आप लोग डिफरेंशियल में या फिर ऐसे 4 मेंबर 6 मेंबर 11 मेंबर जैसे लीग के अंदर हम लोग ऐसे खिजर हयात भट्ट को भी लेके जा सकते हो। लुकमान बट वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, आप लोग इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे अख्तर शाह पिछले 2 मैच के अंदर 4 विकेट और इससे पहले लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, तो एज अ प्लेयर ऐसे अख्तर शाह भी एक अच्छी पिक है, इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो ये दोनों प्लेयर अच्छे हैं यहाँ पर, लुकमान बट और ऐसे अख्तर शाह दोनों को लेके जाना है। सिराज खान की बात करो तो पिछले 2 मैच के अंदर 2-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाए, हालांकि विकेट की बात करो तो अभी तक विकेट लेस रहे, राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऐसे राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवा लेते, तो ऐसे सिराज खान को हम लोग आई थिंक इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल में ट्राई करेगा, क्योंकि ओवर्स वगैरह करवा रहे हैं, तो पिछले 2 मैच के अंदर 2-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाए, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी राव मोहम्मद डेनियन सलीम की बात करो तो पहले 2 मैच के अंदर विकेट निकाला, 1-1 4-4 ओवर्स की गेंदबाजी की जहां पर 1-1 विकेट निकाला, लास्ट मैच की बात करूं तो 3 ओवर्स की गेंदबाजी की जहां पर विकेट लेस रहे। ओवरऑल
रिकॉर्ड तो मौजूद है नहीं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं और स्लो गेंदबाजी है, लेफ्ट आर्म स्लो गेंदबाजी करवा लेते हैं, तो आई थिंक ये हर एक मैच के अंदर 3 से 4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करेंगे, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, इनको डिफेंसिव में ट्राई कर सकते हो। बाकी इसरार अफजल की बात करूँ तो इनको अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, लास्ट मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहा, हालांकि हो सकता है बैटिंग से थोड़ा बहुत इनको ऊपर भेजा जा सकता है, क्योंकि पहले दोनों मैच के अंदर काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, ऐसे 16 और 15 जैसे दो डिसेंट स्कोर किए थे, तो आई थिंक इनको बैटिंग से ऊपर भेजा जा सकता है। बाकी मलिक अब्दुल रफी की बात करूँ तो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो ऐसे सिराज खान और ऐसे लुकमान बट स्टार्ट करेंगे, डेथ ओवर्स में ऐसे सिराज खान और यहां पर असद अली डेथ ओवर्स में आ सकते हैं। असद अली की बात करूं तो इससे पहले वाली मैच के अंदर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाई थी, लास्ट मैच के अंदर डेथ ओवर्स की गेंदबाजी हुई नहीं है। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए बात करते हैं हम लोग ऐसे सेंट्रल स्मैशर्स की, तो सेंट्रल स्मैशर ने अभी तक 5 मैच खेली जहाँ से सिर्फ 1 मैच जीता है, लेकिन मजे की बात क्या है कि वो जीआईसी के सामने ही जीता है, तो इन्हीं के सामने जीतती हुई आ रही है, 1 मैच जो जीता है उन यहाँ से इनके सामने ही जीता है, तो आई थिंक एक बार फिर से अपने परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है। 3 मैच वो हारी है, 1 मैच उनका अबांडनेड रहा है। ओपनिंग में कौन आया था, फरहान मैक्सी और यहाँ पर एस रहमतुल्ला दोनों ओपनिंग करवाए। फरहान मैक्सी अच्छे प्लेयर है, करीबन 39 के एवरेज से 3 मैच के अंदर 78 रन है, साथ में ऐसे विकेट तो नहीं है लेकिन 2 ओवर्स की गेंदबाजी है। अभी तक ये 3 मैच खेले, तीनों ही मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाए, पहले मैच के अंदर थोड़े से नीचे खेले थे लेकिन 19 रन किए थे, पिछले दोनों मैच के अंदर परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो क्योंकि ओवरऑल उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं। एस रहमानतुल्ला की बात करो तो ओवरऑल इनके भी आंकड़े ठीक ठाक हैं, ऐसे 44 मैच के करीबन 18 की एवरेज, हालांकि इनका अनुभव काफी ज्यादा है, 44 मैच का अनुभव है जहां पर 18 की एवरेज से 561 रन है, साथ में यहां पर 3 विकेट निकाले उन्होंने 9 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, ज्यादातर गेंदबाजी करवाते नहीं, पिछले दोनों मैच के अंदर गेंदबाजी करवाई भी नहीं है, बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हाईएस्ट 58 रन का स्कोर किया हुआ है, तो आई थिंक एक भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो। हसनैन अहमद की बात करो तो पिछले दोनों मैच के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सेकंड मैच की बात करो तो 35 रन किए थे और लास्ट मैच की बात करो तो यहां पर 13 रन किए थे, साथ में 4 ओवर्स की गेंदबाजी की थी जहां पर 2 विकेट भी निकाले थे, तो आई थिंक हसनैन अहमद एक अच्छी पिक है, ओवर्स वगैरह करवा सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर जिस तरह से परफॉर्मेंस किया आगे यहाँ से 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, तो हसनैन अहमद को एज अ प्लेयर आप लोग ट्राई कर सकते हो। रोहित व्यास ओके ओके रहेंगे, हालांकि देखो रोहित व्यास जो है यहाँ से ओपनिंग करवा सकता है, कभी भी ऐसे टीम को जरूरत पड़ी तो यहाँ से ओपनिंग में भी इनको भेजा जा सकता है बैटिंग से। बाकी प्रशांत पवार ने भी लास्ट मैच के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आई थिंक ये एक अच्छी पिक रहेगी, हम लोग यहाँ से रोहित व्यास को ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से प्रशांत पवार के साथ जा सकते हैं। बाकी ऐसे जमालुद्दीन की बात करें तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइज कैप्टनशिप की चॉइस रहेगी, ओवरऑल करीबन 28 के एवरेज से 64 मैच के अंदर 1261 रन है, 21 विकेट निकाली उन्होंने 60 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, सेंचुरी तक लगाई हुई है T20 के अंदर, एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन यहाँ पर कैप्टन वाइज कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है, हालांकि बैटिंग से काफ़ी नीचे आते हैं, लास्ट मैच के अंदर 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के जाए वहाँ पर भी उन्होंने 47 रन की पारी खेली, तो थोड़े बहुत यहाँ से ओवर्स मिलने चाहिए उनको, काफ़ी बड़े स्कोर करवा सकते हैं, इवन ओवर्स वगैरह अगर 3-4 ओवर्स करवाई तो यहाँ से विकेट वगैरह भी अच्छी खासी चटका सकते हैं। साले स्टेटमेंट की बात करो तो ये साले ने काफी कंफ्यूज किया है, साले इनका नाम है इनका तो इन्होंने काफी कंफ्यूज किया है, बाकी जबरदस्त प्लेयर है, जबरदस्त ऑलराउंडर है भाई, मैं तो बोलता हूँ ऐसे सीधी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, लेकिन चारों ही मैच के अंदर ओवर्स भी नहीं करवाई, बैटिंग से भी काफी नीचे आ रहे हैं, आई थिंक अभी तक इनको जरूरत है टीम को, साले स्टेटमेंट को ओवर्स करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जबरदस्त गेंदबाज है, यहाँ से 3-4 विकेट कभी भी निकाल सकते हैं, तो आई थिंक यही उम्मीद से आप लोग अगर चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि अगली मैच के अंदर 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, बाकी एज अ प्लेयर तो इनको ड्रॉप करना आई थिंक बेवकूफी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि कभी भी यहाँ से बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इवन बॉलिंग से भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार इन्होंने ओपनिंग करवाई हुई है तो कभी भी ऊपर से बैटिंग करवा सकते हैं। लकरुबान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पिछली 3 मैच के लिए तीनों ही मैच के अंदर विकेट निकाले, रिजवान हैदर अभी तक सिर्फ 1 मैच के अंदर विकेट ले सके, बाकी सारी मैच के अंदर विकेट निकालते आ रहे हैं। आरिफुल्ला की बात करो तो अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ 1 ही बार विकेट मिला है, बाकी अर्शल साबिर की बात करो तो पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकालते आ रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 या 3 बॉलर्स को ले सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो तो आर हैदर और यहाँ पर वी लकरुवन स्टार्ट करेंगे, डेथ ओवर्स में ऐसे पी पवार और आरिफ जमालुद्दीन डेथ में आएंगे, बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो तो मैंने ऐसे एस जावेद को लिया है, यहाँ से एस रहमानुल्ला
रहमान आप तुल्ला को लेना हो तो ले सकते हो, बाकी लुकरुवन को भी आप लोग रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो। गुलरेज के लिए तो डेफिनेटली लेके जाना है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ से आर हैदर, एम सलीम, यहाँ से एच अहमद और पी पवार हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर आई अफजल तो थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन एम रिजा वगैरह को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर ए जमालुद्दीन के साथ यहाँ से लुकमान बट और यहाँ पर असद अली हमारी टीम के अंदर रहेंगे। अदरवाइज ऑप्शंस की बात करो तो ए शाबिर है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर एम अजीम डार खेलते तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है, इनके ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं हम लोग। बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे साले सैडमैन, देखो इनको ड्रॉप करने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये जब भी ओवर्स करवाएंगे तब यहाँ से 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ से एज अ प्लेयर इनको लिया हुआ है। हालांकि अभी तक उन्होंने ओवर्स करवाई नहीं, लेकिन अगली मैच के अंदर चांस है शायद 1-2 ओवर्स करवा ले, इसके लिए उसी हिसाब से मैंने लिया हुआ है। बाकी आप लोग ड्रॉप करना चाहो तो इनकी जगह पर एस खान को ट्राई कर सकते हो, सिराज खान को ट्राई कर सकते हो। बाकी नीचे से मैंने अख्तर शाह और यहाँ से फरहान मैक्सी को लिया है। फरहान मैक्सी ठीक ठाक यहाँ से स्कोर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। आप लोग फरहान मैक्सी की जगह पर भी यहाँ से एस खान को ट्राई कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज जैसे ए उल्ला भी एक अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर भी भरोसा कर सकते हो। तो टीम मेरी कुछ इस तरह से बन सकती है कि असद अली को मैंने कैप्टनशिप दी हुई है और वाइस कैप्टन यहाँ से अख्तर शाह को दिया हुआ है, क्योंकि अख्तर शाह ने अभी तक 2 मैच के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है और विकेट्स वगैरह बल्क में चटकाई है, तो इसके लिए मैंने इन दोनों प्लेयर के ऊपर भरोसा किया है। बाकी अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, और कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हुई है। अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी। याद रहेगी जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। फाइनल लाइनअप के बाद टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनके अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी मीनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।